की झील के तटवर्ती गांवों में नुकसान का कारण जानने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन होगा। टेरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कहा है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी रुड़की को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। टिहरी जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने के साथ साथ जो टिहरी झील के आसपास के जो गांव हैं जहां पर की लैंडस्लाइडिंग हो रही है उसको लेकर टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन गांवों को जो सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और क्या कहना है सर। सर, टिहरी झील के आसपास जो अभी गाँव है उनके लिए क्या योजनाएं बनाएंगे? देखिए, अगर ये जो भी जो गांव है अगर वो कोलेटरल डैमेज पॉलिसी हमारी जो गवर्नमेंट की है अगर उससे आच्छादित होते हैं उस पॉलिसी में, तो उसके लिए हमने एक आईटी रुड़की से एक अभी मॉनिटरिंग कराएंगे सारे गांव की, और उस मॉनिटरिंग में वो एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि आईटी रुड़की करेगी। उसमें अगर ऐसा लगेगा कि वो रिजर्वायर की फ्लक्चुएशन से उस गांव में कोई क्षति पहुंच रही है या वहां पे कोई क्रैक्स आ रहे हैं, तो जो कोलेटरल पॉलिसी के हिसाब से जो भी उसका कंपनसेशन बनेगा वो हम लोग देंगे उसको। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी राज्य सरकार की जो पॉलिसीज हैं रिहेबिलिटेशन से संबंधित या उसको विस्थापन करना या और भी जो भी तरीके हो सकते हैं उसके हिसाब से उसको डील किया जाएगा। सर, टिहरी झील के आसपास के लिए ये अच्छी खबर भी है कि आप दोबारा से सर्वे करवाने जा रहे हैं। कौन सी ये अथॉरिटी है जिससे सर्वे होगा? कितना पैसा आपके द्वारा दिया गया है सर? देखिए, इसमें ये बहुत ही साइंटिफिक हाईली टेक्निकल स्टडी है जिसमें रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें आईआईटी रुड़की के कुछ वैज्ञानिक हैं वो इसको करेंगे, और इसके लिए जो भी इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो करीब 2 करोड़ रुपया थी। वो हम 2 करोड़ रुपया ऑलरेडी हमने पुनर्वास निदेशालय को रिलीज कर चुके हैं और जल्दी ही उनके साथ एक बैठक करके और वो स्टडी को स्टार्ट करेंगे। और हमने ये कहा है कि जब स्टडी करेंगे उसमें हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं टीएचडीसी के, जो हमारे डिजाइन के लोग हैं, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और जो स्टडी है वो बहुत अच्छी स्टडी हो, और जिसमें वाकई अगर उसमें रिजर्वायर के कारण कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है, रिजर्वायर के कारण कोई क्षति हो रही किसी गांव में, तो उसमें वो क्लैरिटी आ जाए। अब टिहरी बांध परियोजना और उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से टिहरी जिले में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिससे अब स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बढ़िया स्वास्थ्य जनता को मिलेगी। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल।